हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार पूछे जाते हैं, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन के लिए, प्लस ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी सभी एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़ जाइए, और अगर आपका कोई दोस्त है प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तो उसको भी जरूर बताइएगा। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10, और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह एक स्थान पी से क्यू तैर कर जाने और वापस आने में कुल उसे 1 घंटे का समय लगता है, तो पी व क्यू के बीच की दूरी क्या है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है तो आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। एक डिस्टेंस है पी से क्यू तक, यानी कि ये डिस्टेंस है। यहाँ से एक व्यक्ति तैरना स्टार्ट करता है, वो जाने में और वापस आने में पूरा कितना 1 घंटा लेता है, 1 आवर लेता है वो जाने में और आने में। अब वो जब जाता है तो एक साइड में उसकी डाउन स्ट्रीम रहेगी और एक अप स्ट्रीम रहेगी, ठीक है। तो जब वो जाता होगा, मान लीजिए उसकी डायरेक्शन ये है, पानी की डायरेक्शन ये है, तो जब वो पानी की डायरेक्शन में जाएगा तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यानी कि धारा की डायरेक्शन में ही मूव करेगा वो, तो जल्दी पहुँच जाएगा तो स्पीड भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि शांत जल में उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब वो शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा चल लेता है तो उसी डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो कुछ ज़्यादा चलेगा, ठीक है। फिर वापस आएगा, जब धारा इस डायरेक्शन की होगी और वो वापस आएगा धारा की अगेंस्ट चलेगा, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में उसकी चाल जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। एक्स मीन्स यानी कि व्यक्ति की चाल, जो व्यक्ति तैर के जा रहा है उसकी चाल। वाई मीन्स आपकी धारा का वेग, यानी कि पानी की चाल, हम सीधी भाषा में बोल सकते हैं पानी की चाल, ठीक है। तो एक्स वाई से मैंने डिनोट कर लिया इसको, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। या फिर आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि ये आपका मतलब व्यक्ति की चाल, और ये बोलने में बार बार प्रॉब्लम होगी इसलिए मैंने एक्स वाई इनको लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब भी डाउन स्ट्रीम की बात की जाती है यानी कि धारा की दिशा में मूव करने की बात की जाती है, तो एक्स और वाई को दोनों को प्लस कर देते हैं, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की चाल। फिर अगर अप स्ट्रीम की बात की जाती है, धारा की अगेंस्ट जब चलने की बात की जाती है, तो हम क्या करते हैं एक्स माइनस वाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब एक्स माइनस वाई करते हैं उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। तो आपका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आपकी समझ में आ गया है, और पूरा टाइम हमें लगता है 1 घंटा। तो टाइम बराबर आपको क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बिल्कुल वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो टाइम तो आपको पता चल ही गया कितना है, 1 घंटा है, ठीक है, तो वो आपने लिख लिया। डिस्टेंस आपकी हम कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें वही हमें निकालनी है, तो डी हम रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी। जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तब भी डिस्टेंस वही रहेगी, और जब अप स्ट्रीम में आएगा डिस्टेंस वो ही रहेगी, चाल चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी अपॉन में एक्स प्लस वाई, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 10 एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, डी अपॉन में 6, यानी कि 8 माइनस 2। तो बस अब आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 30, तो ये 3D + 5D हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो कितना हो जाएगा 8D = 3D, ठीक है। तो D की वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी 30/8, तो 3.75 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी पी से क्यू तक की, ठीक है। पी व क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 3.75 किलोमीटर। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बलवीर अपनी आय का 20% बच्चे की शिक्षा पर तथा शेष का 40% अपने भोजन पर, शेष का 50% वह अपने कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक बचत 14,400 रुपये हो तो बताओ कि उसकी मासिक आय क्या है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बोला गया 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 40%, यानी कि बचे हुए का 40% निकालना है, फिर जो शेष बचेगा उसका 50% कपड़ों पर, इस तरीके से वो खर्च करता है। दो तरीके से इनकम खर्च की जा सकती है, एक तो होता है कि 20% उसने बच्चों की
कपड़ों पर, बच्चों की फीस पर सीधा सीधा बोल दिया जाएगा, ठीक है। और एक होता है कि शेष का, यानी कि 20% उसने बच्चों की शिक्षा पर, और जो बचा फिर उसका उसने 40% भोजन पर, और जो बचा फिर उसने 50% अपने कपड़ों पर। तो जो पहले वाली कंडीशन थी जिसमें सीधा सीधा 20% 40% 50% खर्च करता, वो शेष का नहीं डायरेक्ट खर्च करता, तो आप सभी को प्लस करते और माइनस करते, जो बचता वो उसकी सेविंग बच जाती। बट यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज होती है, तो इसकी एक ट्रिक है, ये आप अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 अपॉन में 100 माइनस A1, 100 अपॉन में 100 माइनस A2, यानी कि A1 A2 क्या है आपका, जो भी परसेंटेज जितनी भी दी गई होगी, जैसे यहाँ पे 20% शिक्षा पर, फिर 40% भोजन पर, 50% कपड़ों पर, इस तरीके से खर्च किया, तो आपको 100 माइनस 100 माइनस 100 माइनस करके वो लिखना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, 100 अपॉन में यहाँ पे सबसे पहले उसने 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया है, तो 100 माइनस 20 कर देंगे तो 80 हो जाएगा अपॉन में, 100 अपॉन में 80 इनटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना है। फिर 100 अपॉन में 60, क्योंकि 40% उसने भोजन पर खर्च किया है बचे हुए शेष का, तो अपॉन में 60 कर देंगे, ठीक है, यानी कि 100 माइनस 40। फिर 100 अपॉन में 50 करेंगे, 100 में से 50 माइनस कर देंगे तो आपका 50 बचेगा, और इनटू ये आपकी इस सेविंग है 14,400, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितनी चीज़ें कट सकती है उसको कट कर लेंगे, जैसे 0 से 0 कट जाएगी सारी, ठीक है। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से कट जाएगा 3 टाइम, और 2 से कट जाएगा 5 टाइम, और ये 2 से कट जाएगा 5 टाइम, और ये 2 से कट जाएगा 4 टाइम। तो अभी कितनी चीज़ें बच गई हमारे पास, ऊपर बच गया 5 पंजे 25, और 25 की 2 में करेंगे 50, यानी कि ऊपर 50 बच गया, यहाँ बच गया 4 3 12, कुछ नहीं बचा और, तो नीचे 12 आ जाएगा। 14,400 को जब 12 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1200 बार, तो 1200 की 50 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 60,000, यानी कि 60,000 उसकी ईयरली इनकम है। जो 60,000 आई है ये ईयरली इनकम आई है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अब देखिए 60,000 आपको ऑप्शन में भी मिलेगा, और बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि हमारा आंसर अगर ऑप्शन में लगा देंगे, पूरा क्वेश्चन सही करने के बाद भी आप आंसर को गलत कर सकते हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया मासिक आय क्या होगी, मासिक मीन्स मंथली इनकम क्या होगी, तो 60 को डिवाइड करना है आपको 12 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5,000, ये 5,000 आंसर आएगा, ठीक है, यानी कि 5,000 पर मंथ उसकी इनकम होगी, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपकी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक बार पहले भी कवर करा चुका हूँ, बट ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसे विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है और उसमें ये आदमी बैठा है, ये बैठा है यहाँ पर, ठीक है, और इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो अभी ये हमें क्या करना है, हमें इस आदमी को पार करने वाली चाल निकालनी है, समय निकालना है जो कि दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमें इस रेलगाड़ी की लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ लंबाई किसकी चाहिए, इसकी, और वो हमें पता है 200 मीटर लंबी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है, समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई अपॉन में स्पीड वन और स्पीड टू, स्पीड वन स्पीड टू किस क्या होगी, एक तो इसकी स्पीड और एक इसकी स्पीड, दोनों की स्पीड जब एक ही एक दूसरे की डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो दोनों की स्पीड को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो दोनों की स्पीड को माइनस कर लेते हैं, यानी कि डिफरेंस ले लेते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समय तो दे दी गई 9 सेकंड, और जो ये दे रखा है डिस्टेंस वो 200 मीटर दे रखा है, तो सबसे पहले तो आपको जो किलोमीटर पर आर में ये चाल दे रखी है इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको सारी बता रखा हूँ। तो 30 को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 × 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो 25/3 आपका आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 25/3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 सेकंड में इसको पार करती है, तो ये हमने लिख लिया 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो एक चाल तो हमें पता चल गया 25/3 है, दूसरे वाली हमें निकालनी है, तो S2 हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। भाई इस ये चीज़ आपकी समझ में आ गई ना, मैंने इस दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई की जरूरत क्यों नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हमारे से इस ट्रेन से कोई रिलेशन नहीं लेना है, कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे पूछा गया कि जो आदमी इस ट्रेन में बैठा है उसको कितनी देर में पार करेगी, तो हमें इस पूरी ट्रेन को तो नहीं पता कि हमें
इसको पार करना है या नहीं करना है या इसको कितनी देर में पार करेगी, हमें पूछे कि ये आदमी, तो हमें इस आदमी की, ये मान लीजिए कि ये ट्रेन की जो इस चाल है ना, ये इस आदमी की चाल है, ठीक है, तो बस इस आदमी से हमें लेना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ इस वाली रेलगाड़ी की लंबाई ली है, इस वाली की नहीं ली है, क्योंकि आदमी की तो कोई खुद की लंबाई नहीं होती है, यानी कि ऐसे लेंथ नहीं होती है, तो रेलगाड़ी की हमें लेनी नहीं है क्योंकि रेलगाड़ी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस 3 को तो ऊपर भेज देंगे यहाँ पे, और 9 बराबर 200 × 3 हो जाएगा अपॉन में 25 + s2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनकी कर लेते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका 200 × 3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 600, ठीक है। और इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 150 + 9x, ठीक है। तो ये 150 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 450, और इधर बचेगा 9x, तो 9x को 450 को डिवाइड कर देंगे 9x से, तो कितना बचेगा x की वैल्यू 50 km/h, यानी कि जो स्पीड 2 यानी कि दूसरे वाली ट्रेन की जो जो इसको क्रॉस करेगी उस आदमी को, उसकी चाल कितनी है 50 km/h। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस वाली ट्रेन की चाल कितनी है 50 km/h। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 km/h की चाल से चल रही है, अपने विपरीत दिशा में 6 km/h की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। भाई देखें यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक रेलगाड़ी जा रही है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 54 km/h की चाल से चल रही है, ठीक है। दूसरी डायरेक्शन से एक आदमी आ रहा है जिसकी चाल कितनी है 6 km/h। यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि कितनी देर में ये ट्रेन इस आदमी को पार कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई अपॉन में क्या करना है, दोनों की चाल को प्लस करना है, क्योंकि एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है, तो दोनों की चाल को प्लस कर लेंगे। 54 km/h 60 km/h है, तो ये सबसे पहले तो इसको घंटे से मीटर पर आर में बदल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई दे रखी है रेलगाड़ी की वो मीटर में दे रखी है, ठीक है। तो दोनों की चाल को प्लस करेंगे, ये 54 km/h 6 km/h, दोनों को प्लस करेंगे 60 km/h हो जाएगी। तो 60 km/h को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें किसको इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 50/3, ठीक है, 50/3 m/s आपकी स्पीड हो जाएगी। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150 मीटर की, तो 150 मीटर डिवाइड बाई 50/3, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 150 × 3/50, तो 50 से जाएगा 3 × 150, और ये बच जाएगा 3 × 3 करेंगे तो 9 सेकंड में पार कर जाएगी। यानी कि जो ये ट्रेन है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि चलने से या चल रहे व्यक्ति को कितनी देर कितने समय में पार करेगी, तो 6 सेकंड में इस व्यक्ति को पार कर जाएगी ये ट्रेन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन का खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप चले गए, अब यह खाद्य सामग्री बचे सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझिएगा, पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों का 200 दिन का खाद्य सामग्री है, यानी कि 950 सैनिक है एक कैंप में, और सभी को 500 ग्राम खाना दिया जाता है, मान लीजिए सीधी सीधी भाषा में बता रहा हूँ, 500 ग्राम खाना दिया जाता है हर रोज, और ये 200 दिन का पूरा खाना उनके पास है। यहाँ पे क्या हुआ, 300 सैनिक 70 दिन बाद कैंप को छोड़ के दूसरे कैंप में चले गए, तो 70 दिन बाद ये पूछा गया है कि अब वही खाना जो जितना था, जो कि 200 दिन के लिए था 950 सैनिकों के लिए, जब 300 सैनिक चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 650 सैनिक, तो वही खाना 650 सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए सफिशियंट होगा, ये पूछा गया है। तो कुल सैनिक 950 दिन कितने 200, और एक सैनिक को 500 ग्राम खाना दिया जाता है, तो टोटल खाना कितना हो जाएगा, कुल खाना कितना हो जाएगा, कुल खाना आपका हो जाएगा 950 × 200 × 500। ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बस वैसे निकाल दिया, तो कुल खाना आपका ये है, ठीक है, आपको ये मल्टीप्लाई करना नहीं है, ठीक है। तो अब बस आपको यहीं पे रोक देना है कि इतना खाना है हमारे पास, इस खाने में आपको क्या करना है, अब ये खाना तो टोटल हो गया, अब इसमें से कुछ खाना खा चुके होंगे जो कि 70 दिन तक 300 सैनिकों ने खाया होगा, अब रिमेनिंग सैनिक कितने बचे हैं और जो खाना कितना बचा है, अभी खाना हमारे पास बचा है 950 सैनिकों का बचा है,
भाई अभी भी खाना तो हमारे पास 950 सैनिकों का ही है, और कितने दिन का बचा है, 130 दिन का खाना बचा हुआ है, और कितना खाना है, एक सैनिक का 500 ग्राम खाना है, यानी कि हमारे पास इतना खाना बचा हुआ है, और ये खाना हमें अब किसको खिलाना है, ये सिर्फ 650 सैनिकों को खिलाना है, क्योंकि 300 सैनिक जा चुके हैं, ठीक है। तो 650 सैनिकों को 500 ग्राम रोज खिलाएंगे इस बचे हुए खाने को, तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, अब ये आपका आ जाएगा 190 डे, अभी इसको कट करेंगे, 500 से 500 चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 65 से 190 हो जाएगा, सॉरी ये 13 से 65 करेगा 5 टाइम, और 5 से ये कट जाएगा 190 बार, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 190 डेज आ जाएगा। एक बार और समझा देता हूँ मैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे बोला गया ये तो कुल खाना था, यानी इतना खाना तो पूरे कैंप में था, अब बचा हमारे पास कितना खाना, कैंप में कितना खाना बचा, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा भाई, बचा हमारे पास 950 सैनिकों का 130 दिन का खाना, जिसमें 50 ग्राम उन्हें रोज देना है, ये खाना हमारे पास बच गया। अब ये खाने वाले कौन है, ये खाना हमारे पास बचा, खाने वाले इसमें से कौन है, केवल 650 सैनिक, क्योंकि 300 सैनिक जा चुके हैं, तो ये हमें सिर्फ 650 सैनिकों को खिलाना है, और रोज कितना खिलाना है, 500 ग्राम, ठीक है। तो ये खाना हमें खिलाना है इनको, और बचा कितना, इतना, तो कितने दिन चलेगा, बस अब आप निकाल लीजिए, 500 से सीधा सीधा 500 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगी, 13 से 65 कटेगा 5 टाइम, 5 से कट जाएगा 950 190, तो 190 डेज के लिए खाना बच जाएगा 650 सैनिकों के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है तो बताइए मोहन अकेला काम को कितने दिन में करेगा, और मोहन व सोहन मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे मोहन और सोहन जो लिखा है, यहाँ पे मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, यानी कि सोहन की 100 है तो मोहन की कितनी हो जाएगी, 125% हो जाएगी, क्योंकि मोहन की 25% अधिक कार्य कर सकता है, तो ये वर्किंग रेशो आ जाएगा। तो वर्किंग रेशो कितना आ गया, अगर हम 25 से काट दे 4 और 25 से काट दे तो 5, 5:4 का रेशो निकल के आ गया वर्किंग रेशो। तो वर्किंग रेशो टाइम रेशो अपोजिट होता है, आप सभी को पता है, तो टाइम रेशो क्या हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा टाइम रेशो। भाई ये अपोजिट क्यों होता है, क्योंकि ये अगर रोज कम काम करेगा तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, और ये ज़्यादा काम करेगा तो ये कम टाइम लेगा, ये ऑब्वियसली बात है, सीधा सीधा सा फंडा है। तो यहाँ हमारे पास वर्किंग रेशो भी आ गया और टाइम रेशो भी आ गया। तो हमारे से क्या पूछा गया है, पहले तो क्वेश्चन में देख लीजिए, यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, सोहन जो है वो काम को 20 दिन में कर लेता है, और एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट काम करता है, तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 × 20, 80 यूनिट वर्क टोटल है। समझे ना कैसे निकला, भाई सोहन जो है वो 4 यूनिट वर्क रोज करता है, इसका मतलब ये है कि चार, यहाँ पे जो वर्किंग रेशो निकाला है यानी कि 4 यूनिट वर्क रोज करता है और 20 दिन में वर्क को कंप्लीट कर रहा है, तो यानी कि 20 दिन में कितना वर्क किया होगा, 80 यूनिट वर्क किया होगा, तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया है। अब हमारे से पूछा क्या गया है, मोहन अकेला काम को कितने दिन में करेगा, अगर मोहन से वर्क कराया जाए तो अकेला कितने दिन में करेगा, तो मोहन एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, तो 80 यूनिट वर्क को कितने दिन में करेगा, 16 दिन में, 80 को 5 से भाग कर देंगे। अगर यहाँ पे पूछा जाए मोहन और सोहन दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टोटल 80 यूनिट वर्क है और दोनों वर्क कितना करते हैं, 5 और 4 9 यूनिट वर्क करते हैं रोज, तो 80 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो कितना हो जाएगा, 8.88, यानी कि 8/9, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, करने की अप्रोच, करने का कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आप पे, और आपने कहाँ से पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, ये भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। तो आप बस क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर लेंगे, अगर आप ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं और अच्छे से अपनी भी मेहनत कर रहे हैं। बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सिर्फ आपके क्वेश्चन देखने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो ऐसा तो मैं कहीं पे नहीं लिखता कि मेरे क्वेश्चन देखने से, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, इसी टाइप के हज़ारों क्वेश्चन पढ़िए सिलेक्शन की, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% होगा और मेरी वीडियो से हो जाएगा। भाई आप अगर इन्हीं क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी घुमा के दे दिया आप बोलोगे कि आपने तो ये क्वेश्चन नहीं करा, तो आप इसी टाइप के और भी क्वेश्चन किया करें, अपनी बुक को भी उठा कर देखा करें। मैं तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन कराता हूँ, क्या 10-12 क्वेश्चन पढ़ के ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 10-12 पढ़ने के बाद में इसी टाइप के कम से कम भी 50 क्वेश्चन करिए डेली, तो तब जाके सिलेक्शन होते हैं, और तब जाके सिलेक्शन होते नहीं 100% हो जाते हैं, ठीक है। तो मेहनत अपनी भी होती है, टोटली किसी भी टीचर पे डिपेंड ऐसे नहीं रहना चाहिए कि आपका ही पढ़ू तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कमेंट देख के मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि बहुत से बच्चे बस ये कहते हैं कि सर आपके क्वेश्चन पढ़ लूँ तो सिलेक्शन हो जाएगा।
आप हजारों करोड़ों रुपए की भी कहीं से कोचिंग ले लेंगे ना, तो अगर आप वहां से कोई बोले कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ के मेरा सिलेक्शन करा दियो, तो मुझे बता देना, मैं आपको दे दूंगा जितने आप बोलोगे, ठीक है। तो आप भी अपनी मेहनत करिए, ठीक है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, पढ़ाना मेरा काम है, आप कितनी मेहनत करते हैं उसके ऊपर ये आपका काम है, ठीक है। चलिए फिर ये लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट नहीं करते, बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। मैं आपको साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज दोनों के बहुत अच्छे से समझाया था, ये टाइप के भी क्वेश्चन कराए थे। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस अगर आपको डिफरेंस बिल्कुल भी निकालना नहीं आता है कि डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी आपको निकालना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। डिफरेंस का वैसे मैंने शायद ये इससे पहले 2 वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करा था डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से, बट यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, 8,000 का 5% निकालेंगे, कितना है 400, सीधा सीधा। फिर आपको क्या करना है, 400 आ गया फर्स्ट ईयर में, तो चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है, तो नेक्स्ट ईयर में इस 400 को तो वैसा का वैसे रखेंगे ही, दूसरे साल में फर्स्ट ईयर में 400, दूसरे साल में भी 400, तो यहाँ पे 400 पे भी 5% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 20, तो ये हो गया आपका दूसरे साल का। तीसरे साल में 400 तो रहेगा ही रहेगा, पहले साल में भी रहेगा, दूसरे साल में भी रहेगा, तीसरे साल में भी, तीसरे साल में आपका ये तीनों पे जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया है, ये देखिए इन तीनों पे, ठीक है, इन तीनों पे भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। 400 तो रहेगा ही रहेगा तीनों साल में, तो 400 कितना हो जाएगा 820, 820 का 5% निकाले कितना आएगा 41, तो थर्ड ईयर में आपका ये आ गया 41, और इन सभी को प्लस करेंगे तो आपका कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के 1261। 1261 क्या आया, ये निकल के चक्रवर्ती ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट तो आप सीधा सीधा निकाल ही लेंगे, फर्स्ट ईयर में अगर 400 लगाया तो तीनों साल में 400 400 लगेगा, तो तीनों साल में कितना हो गया 1200। पूछा है डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए 61, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके सेकंडों के होते हैं, और ये 2004 में पूछा गया था रेलवे में, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2,000 रुपये कितने वर्ष में 2,420 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि चक्रवर्ती ब्याज से लगाना है, 2,000 रुपये हमारा मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट है, और वो कितने वर्ष में 2,420 हो जाएंगे, कितने वर्ष में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीआई निकाल लेते हैं, 2,420 में से अगर 2,000 माइनस कर दे तो बचेगा कितना 420। ये 420 क्या गया, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज 420 है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसे ऊपर मैं किया था, सीधा सीधा है, ये जो चीज़ें हैं ना ये बिना फॉर्मूले के हैं। अगर आपको फॉर्मूले से डर लगता है या फॉर्मूले समझ में नहीं आते, तो तब के लिए चीज़ें हैं। तो 2,000 रुपये का अगर 10% निकालें कितना आएगा 200, फर्स्ट ईयर में ये कितना है 420। तो आप एक चीज़ तो समझ गए यहाँ पे कि ये 200 है और ये 420 है, तो नेक्स्ट ईयर में भी 200 रहेगा, 200 तो लगेगा लगेगा। ये तो आपका कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में 200 तो रहेगा रहेगा, फिर सेकंड ईयर में 200 पे 10% निकालेंगे तो 20 ही हो गया, यानी कि टोटल किया जाए तो कितना हो गया 420। ये कितने ईयर में निकल गया, 2 ईयर में, तो ये 2000 से 2,420 कितने ईयर में हो जाएगा, 2 ईयर में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। थोड़ी सी स्पीड बढ़ रही है क्या आज मेरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ रही है शायद। देखिए सीधा सीधा है कि 2000 का 10% निकाला, 200 आया पहले साल का, फिर सेकंड ईयर में 200 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, बट उस 200 पे जो पहले ईयर में लगा था उस पे भी इंटरेस्ट निकलेगा, वो कितना आएगा 200 का 10% 20, तो ये कितने ईयर में, दोनों को प्लस करें कितना होगा 420, कितने ईयर में हुआ 2 ईयर में। तो यही पूछा गया है कि 2,440 कितने ईयर में हो जाएंगे चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से, तो 2 साल में हो रहे हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या है। देखिए 100% वोट होते हैं, ठीक है, और जिसने जो चुनाव जीता है, 2 प्रत्याशियों के बीच में हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 वोटों से जीत गया, यानी कि एक को जीतने वाले को 60% मिले होंगे तो दूसरे हारने वाले को 40% मिले होंगे, ठीक है। यहाँ पे तीसरी कंडीशन तो कुछ नहीं है।
अब यहाँ पे बोला गया है कि जो जीता है वो कितने 1400 वोटों से जीता है, तो इन दोनों का डिफरेंस का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20% का, और ये 1400 वोटों से जीता है इसका मतलब ये 20% के इक्वल 1400 वोट हो जाएगी भाई, समझे ना। जीतने वाले को अगर 60% मिली, हारने वाले को 40% मिली होगी, तो जो भी इनके बीच का डिफरेंस होगा वो इन 1400 के इक्वल होगा, समझ गए आप इस चीज को। तो हमें 20% की वैल्यू अगर पता है, 1400 है, तो 100% की जिसकी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि टोटल वोट कितनी है, या फिर जीतने वाले की वोट कितनी है, हारने वाले की वोट कितनी है, वो आप सब निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या कितनी है, तो 1400 को 20 से भाग कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ठीक है, क्योंकि हमें जीतने वालों की पूछी गई है कि जीतने वालों की संख्या कितनी है। 1400 को डिवाइड करेंगे 20 और इंटू कर देंगे 60 से, तो 20 से 60 जाएगा 3 टाइम, और 1400 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 4200, आपका राइट आंसर, यानी कि जीतने वालों को 4200 मिली है। अगर पूछा जाता हारने वालों को तो यहाँ से 40 की मल्टीप्लाई कर देते, अगर पूछा जाता टोटल वोट कितनी होगी तो यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी चाल का 7/11 से चलकर 22 मिनट में पहुंच जाता है, यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलता है तो उसे कितने समय की बचत होगी। देखिए, कोई व्यक्ति जो चाल व्यक्ति अपनी चाल का 7/11 चलता है, यानी कि वो पहले 11 की चाल से चलता होगा, वो अब 7 की चाल से चलना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से उसे 22 मिनट से चलकर 22 मिनट में पहुंच जाता है, तो वो 22 मिनट में पहुंचता है, ठीक है। तो अब एक चीज को समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगा के, कोई व्यक्ति अपनी चाल का 7/11 चलता है, यानी कि वो पहले 11 की चाल से चलता था, अब 7 की चाल से चलता है, ठीक है, तो कम चाल हो गई उसकी, यानी कि वो 22 मिनट अधिक ले रहा है मैं पहुंच जाता है, यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी, इसलिए यहाँ पे पूछे कि कितने समय की बचत होगी। तो चाल अगर 7/11 है तो समय कितना हो जाएगा 11/7, यानी कि 11 की चाल से चलता था तो समय 7 लेता था, अब 7 की चाल से चलता है तो 11 समय लेता है, समझ गए आप इतनी चीज। समय जो भी चाल का चाल होगी उसका उल्टा समय होता है, समझ गए मैं आपको, टाइम और वर्क में उल्टा होता है कि जितना टाइम लेगा उतना ही वो मतलब जितना अगर कोई ज़्यादा वर्क करेगा वो जल्दी वर्क खत्म हो जाएगा, अगर कोई तेज चलेगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, टाइम कम लेगा, तो यही कॉन्सेप्ट होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनमें, ठीक है। तो यहाँ पे 11 की चाल से चलेगा तो 7 टाइम लेगा और 7 की चाल से चलेगा तो 11 टाइम लेगा, ये आपका समय और चाल का अपोजिट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि वो जब चलता है तो 22 मिनट में पहुँचता है, तो यहाँ पे इस वाले टाइम का ये जो 11 की जब वो 7 की चाल से चलता है तो 11 समय लेगा तो वो 22 मिनट में पहुँचता है, तो 22 को डिवाइड करेंगे 11 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। 7 से क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें चाहिए किसका, तो उसे कितने समय की बचत होगी अगर वो अपनी चाल से चले, यानी कि पहले वाली चाल से चले, तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो पहले तो 7 समय में चलता था ना, 11 की चाल से चलता था तो समय 7 लेता था, तो अब वो 7 की चाल से चलता है तो 11 समय लेता है, तो 22 को डिवाइड करेंगे 11 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो वो पहले 14 मिनट में पहुंच जाता था और अब कितना समय लेता है वो 22 मिनट, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर यहां पे पूछा जाए कि कितने अगर बचत की बात की गई ना, उससे कितने समय की बचत होगी अगर वो अपनी पहले वाली चाल से चले, तो यहाँ पे देखिए 6 मिनट तो ये होगी 8 मिनट की उसे बचत हो जाएगी अगर वो पहले वाली चाल से चले अपनी, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है और इसे आप घर से करेंगे और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं आज बड़ी वीडियो बनाई है इसलिए कि आपकी डिमांड आ रही थी कि सर बड़ी वीडियो बनाइए, ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आइए, तो जब भी मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपका फिर मुझे वही है कि लाइक वाइक नहीं करते हो आप, ना पूरी वीडियो को देखते हो, वीडियो को तो देखते हो आप 5-6 मिनट की और मैं बना दूँ 28 मिनट की, 1 घंटे की, तो यार फ़ायदा क्या है ये बताइए, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे देखते हैं, मैं देखता हूँ कि रिटेंशन जो आती है कुछ बच्चों की तो आती है कि पूरी वीडियो देखी है, बट ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि शुरू में ही देखते हैं बस 5-10 मिनट के और वो छोड़ देते हैं फिर बीच में, तो फिर इसलिए मन नहीं करता ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने का, क्योंकि मेहनत लगती है, 1 घंटे तक बोलना पड़ता है, कई बार गलत भी हो जाती है, उसको डिलीट भी करना पड़ता है, टाइम बिल्कुल भी निकल नहीं पाता है, तो ये सब कुछ देखते हुए फिर छोटी वीडियो को ही बनाने का मन करता है। तो आप सपोर्ट करेंगे तो बड़ी वीडियो बनेगी, अदरवाइज़ छोटी ही रहेगी, 20 मिनट की वीडियो बनेगी। मैं उसमें बहुत कुछ बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं कि आपको बड़ी वीडियो ही मिलेगी तो उसमें कुछ मिलेगा, ठीक है। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पे, तो आप सौरभ मलिक सर्च करके SAURABHMALIK, ठीक है, आप मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, जो मेरी DP है,
एक कार के साथ में है, ठीक है। तो ताकि आप मुझे इजीली फाइंड आउट कर सकें और वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं टॉपिक स्टडी सर्च करके, आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं टॉपिक स्टडी सर्च करके, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं सौरभ मलिक सर्च करके। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।